दोस्तों अगर आप एक शॉर्ट्स क्रिएटर हैं, यानी कि आप शॉर्ट्स वीडियो बनाते हैं, तो भैया YouTube आपके चैनल पर स्ट्राइक देने वाला है, आपका चैनल YouTube बर्बाद कर देगा। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, YouTube जितना भी शॉर्ट्स चैनल वाले हैं सारे चैनल को स्ट्राइक देने वाला है। तो अगर आप एक शॉर्ट्स क्रिएटर हैं तो वीडियो जरूर देखिएगा पूरा का पूरा, क्योंकि बहुत ही अर्जेंट वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संजीव और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टिकटॉक विद संजीव में। तो चलिए मैं आपको ए टू जेड डिटेल में बता देता हूं कि आखिर यूट्यूब जितने भी शॉर्ट चैनल हैं उनको स्ट्राइक क्यों देने वाला है, आपके चैनल को क्यों देगा और आप इससे कैसे बच सकते हैं। तो भैया वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, लास्ट तक जरूर देखिएगा। उसके पहले अभी तक इस चैनल से आप लोग नहीं जुड़े हैं तो देर मत करिए, नीचे जो लाल बटन सब्सक्राइब वाला दिख रहा है उसको दबाकर, बगल में जो घंटी दिख रहा है उसको दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे मैं जो भी आगे वीडियो लाऊं उसका सारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस इंपॉर्टेंट वीडियो का पूरा ए टू जेड डिटेल मैं आपको बता देता हूं, जिससे आपका चैनल सेफ बच जाए। तो दोस्तों मैं आपको पहले लाइव प्रूफ के साथ दिखा देता हूं, आप बगल में स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, मेरा मिस्टर फैकमो चैनल है जिसे एक कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक मिली है। और आपको भी पता है, आपको वार्निंग दिख रहा होगा, क्योंकि जब आपको पहली कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक मिलती है तो वो एक वार्निंग होता है। और ये जो मुझे वार्निंग मिली है, यानी कि जो कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक आई है, आप देख सकते हैं ये मुझे मिला था अक्टूबर मंथ में, जिस वजह से मेरा चैनल एक से दो महीने तक डाउन हो गया था। और ये गलती आप लोग अगर करेंगे, कौन सी गलती है वो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं, जिसलिए आपके जितने भी शॉर्ट्स चैनल हैं सारे के सारे चैनल पर स्ट्राइक आ जाएगी, जो कि आपको यूट्यूब देगा। क्योंकि मैंने लाइव में सारे चैनल चेक किए हैं, 99% चैनल पर स्ट्राइक आएगा और यूट्यूब आपको देगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर मुझे क्यों स्ट्राइक मिलेगा। आपको स्ट्राइक मिलेगा कम्युनिटी गाइडलाइंस का स्ट्राइक, कम्युनिटी गाइडलाइंस का, जो यूट्यूब का कम्युनिटी गाइडलाइंस है उसका स्ट्राइक आपको मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं तो कोई गलती करता ही नहीं हूं, मैं अपना शॉर्ट्स वीडियो नॉर्मली बनाता हूं, तो आखिर मुझे क्यों स्ट्राइक मिलेगा कम्युनिटी गाइडलाइंस। सेम आपके तरीके से मैं भी सोचा करता था, मैं भी सोचता था कि मैं कोई गलती नहीं कर रहा हूं, और ये रियलिटी भी थी कि मैं कोई गलती नहीं कर रहा था। उसके बावजूद भी मुझे स्ट्राइक मिला। कौन सा स्ट्राइक मिला? ग्राफिक्स वायलेंस स्ट्राइक। और ये स्ट्राइक आप लोगों को भी मिल सकता है। अब ये स्ट्राइक क्यों मिला, आप कैसे इससे बच सकते हैं, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। और सारे शॉर्ट्स चैनल वालों के ऊपर ये खतरा है, आज ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा, जिससे आपका चैनल सेफ बच जाए। क्योंकि अगर एक बार ये स्ट्राइक आ जाती है तो आपका चैनल कम से कम दो महीने के लिए एकदम डाउन में चला जाएगा, चाहे कितने भी आपके सब्सक्राइबर हों। तो जैसा कि मैंने आपको एक पहले वीडियो में बताया था और आज भी ये बता देता हूं कि आखिर मुझे क्यों कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक मिली थी, जो कि आपको भी मिल सकती है। मैं नॉर्मली जैसे अपना वीडियो बनता है फैक्ट्स का, ये तरीके का वीडियो बनाता था। एक जगह था एक्सीडेंटल इंसिडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप एक्सीडेंटल इंसिडेंट के ऊपर फैक्ट वीडियो बनाकर अच्छा खासा व्यूज लेकर अपना चैनल ग्रो कर सकते हैं। तो वैसे मैंने भी किया, सभी लोग करते हैं, वैसे टाइप का मैंने वीडियो बनाया जिसमें एक गाय था और रोड पर कोई इंसान जा रहा था, उसे थोड़ा सा उसके पीछे दौड़ा था एक मिनट के लिए, बस दौड़ा था, कोई अटैक वगैरह नहीं हुआ था, केवल दौड़ा था उसने, बस इतना आराम से दौड़ा था। इतने में मुझे कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक आ गई, ये दिखा के ग्राफिक्स वायलेंस है जिसमें आपने कुछ हार्मफुल चीजें दिखाई हैं। क्या कोई हार्मफुल था? क्या उसने अटैक किया? अटैक नहीं किया, ना उसे चोट लगी, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन मुझे कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक मिल गई यूट्यूब के द्वारा, वो भी ग्राफिक्स वायलेंस दिखाकर। और ऐसा आपको भी मिल सकता है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आप लोग जब फैक्ट वीडियो बनाते हैं, ब्लॉग वीडियो बनाते हैं, कोई भी तरीके का वीडियो बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा कुछ आ जाएगा कि एक एनिमल है, एक इंसान है, कुछ भी आ जाएगा, चाहे वो अटैक करे ना करे, कुछ भी। YouTube की भैया पता नहीं क्या पॉलिसी है, मैंने इस पर अपील भी किया था लेकिन वो भी रिजेक्ट हो गया था। और अगर आप करेंगे, कोई भी अगर एक इंसान आ गया, जानवर आ गया, कुछ भी, कहीं भी कुछ भी थोड़ा सा दो सेकंड के लिए दिख गया आपके वीडियो में, तो आपको ग्राफिक्स वायलेंस करके कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक YouTube दे देगा, जो कि बेवजह देता है, मुझे खुद मिला था। अब आपके मन में आ रहा होगा कि आखिर मैं कैसे बचूं, तो भैया वही बचने के लिए मैं आपको एक तरीका बताने वाला हूं, जो आज तक आपको YouTube पर कोई नहीं बताया होगा, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि ये चीजें मैंने फेस की हैं और इससे कैसे बचना है ये मैंने पूरा रिसर्च करके जब निकाला,
आज से जब अक्टूबर में आया था उसके बाद से चैनल पर कोई दिक्कत नहीं आई, उसके बाद से मैंने तीन तीन चैनल खड़े किए, किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि मैंने वही उपाय, जो सॉल्यूशन है वही मैंने लगाया जो आपको मैं बताऊंगा, जिससे आप कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक से यूट्यूब के बच सकते हैं। अगर आपका कोई भी छोटा मोटा, जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी दिक्कत होगी उससे आप बच जाएंगे, आपके वीडियो में अगर ऐसा कोई पार्ट होगा भी तब भी आपको स्ट्राइक नहीं देगा यूट्यूब। और यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनिएगा यह सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि यह यूट्यूब पर आज तक आपको कोई नहीं बताया है ना बता पाएगा, क्योंकि यह चीजें जिसे मिली होती हैं, यानी जिसे स्ट्राइक मिला होता है शॉर्ट्स चैनल में, वही आपको बता सकता है कि इसकी बचत आप कैसे कर सकते हैं, इससे कैसे बच सकते हैं। तो चलिए मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूं। तो दोस्तों इसका सॉल्यूशन ये है कि आप जैसे अपना वीडियो क्रिएट करते हैं, तो वीडियो एडिट करते टाइम, चाहे जिस भी आप सॉफ्टवेयर से एडिट करते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर से एडिट करते टाइम आपका जो वीडियो है उसके नीचे एकदम छोटा सा लिख दीजिएगा, जो कि आपको नीचे दिख रहा होगा मेरे वीडियो में भी, ये आप लिखिएगा, मैं आपको दिखा देता हूं, दिस वीडियो इज मेड फॉर ओनली एजुकेशनल पर्पज, ये आपको लिख देना है, अपना छोटा सा लिखिएगा, इसमें कोई बहुत बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, छोटा सा लिखिएगा। और आपका जो शॉर्ट्स वीडियो है, चाहे 30 सेकंड 40 सेकंड 50 सेकंड का, वो स्टार्ट से लेकर लास्ट तक ये होना चाहिए आपके वीडियो में। आप मेरा जाकर देख सकते हैं, मिस्टर फैक्मो वाला कोई भी चैनल पर आप वीडियो जाकर देख लेंगे, वहां पर ये नीचे छोटा सा लिखा आपको मिलेगा, दिस वीडियो इज मेड फॉर ओनली एजुकेशनल पर्पज, ये लिखा हुआ मिलता है। इससे क्या होता है, कोई भी अगर आपका कोई है भी, अगर एक्सीडेंटल अच्छा खासा सीन भी है, तब भी आपको ग्राफिक्स वायलेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने अपने वीडियो में ये मेंशन कर दिया है कि दिस वीडियो इज मेड फॉर ओनली एजुकेशनल पर्पज, कि ये आपको बस कुछ सिखाने के लिए बनाया गया है। तो इससे आपको कभी भी स्ट्राइक नहीं आता है, जो कि मैं हर एक अपने चैनल के वीडियो में डालता हूं। और आपको भी अपने वीडियो में, जो आप अपना शॉर्ट्स वीडियो बनाते हैं, लॉन्ग में नहीं, शॉर्ट्स की बात कर रहा हूं, जो भी आप शॉर्ट्स वीडियो बनाते हैं, चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, अब कुकिंग वगैरह का छोड़ दीजिए, कुकिंग में भी आप डाल सकते हैं, क्योंकि पता चला आप चिकन उकन मटन उटन कुछ भी कट कर रहे हैं, तो वहां पर भी ये स्ट्राइक वगैरह दे सकता है। तो आप एकदम छोटा सा करके डाल दीजिएगा, दिस वीडियो इज मेड फॉर ओनली एजुकेशनल पर्पज, आप जाकर मेरा वीडियो देख लेंगे, जो मेरा शॉर्ट्स का है चैनल मिस्टर फैक्मो, उस पर जाकर देख लेंगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कितना छोटा सा आपको लिखना है, किस तरीके से। आप जब ये अपने वीडियो के अंदर डाल देंगे तो आपको कोई भी स्ट्राइक यूट्यूब नहीं देगा कम्युनिटी गाइडलाइंस से रिलेटेड। जो मुझे मिला है, जो मैंने चीजें सीखी, वो आपको मैं बता दिया, और ये चीजें यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा, बहुत ही हटकर ये चीज है, जो आपके चैनल को बचाने के लिए मैंने बताया है। पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था, इतना डिटेल में नहीं, आज मैंने आपको डिटेल में चीजें समझा दी हैं। अब आप ये जरूर कीजिएगा, आज से ही जो वीडियो बनाइएगा, जो आप अपलोड हो चुकी है उसमें कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आज से जो आप वीडियो बनाइएगा उसमें आप दिस वीडियो इज मेड फॉर ओनली एजुकेशनल पर्पज नीचे डाल दीजिएगा, जैसे मैं अपनी वीडियो में डाला हूं, आप जाकर देख लेंगे तो आइडिया आपको लग जाएगा। तो आपको यह इंफॉर्मेशन कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा, बहुत ही नॉलेजबल इंफॉर्मेशन था जो मुझे मेरे दिमाग में आया, मैं आपके लिए तुरंत वीडियो बनाकर दे रहा हूं। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो बिना बोले लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका लाइक मेरे लिए मोटिवेशन होता है। साथ ही अभी तक इस चैनल से आप लोग नहीं जुड़े हैं तो देर मत करिए, नीचे जो लाल बटन सब्सक्राइब वाला दिख रहा है उसको दबाकर, बगल में जो घंटी दिख रहा है उसको दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे मैं जो भी आगे वीडियो लाऊं उसका सारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। साथ ही अपने भाई को अगर इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर इंस्टाग्राम पर टिकटॉक भी संजीव नाम सर्च करके आप जाकर फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।